देवघर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। जल्द ही संथाल परगना का एकमात्र एयरपोर्ट देवघर से लोग हवाई जहाज में सफर करने लगेंगे। हालांकि अप्रैल माह तक एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने का डेडलाइन संबंधित विभाग द्वारा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी एयरपोर्ट तक पहुंचने वाली सड़क समेत एयरपोर्ट में लाइट लगाने का कार्य पूर्ण किया जाना है। जहाजों के उड़ानों को लेकर रांची में एक बैठक भी रखी गई है। आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट का डिजाइन बाबा मंदिर के गुंबद के आकार की तरह होगी और गुंबद में पंचशूल भी लगे होंगे। वहीं स्थानीय लोगों को देवघर एयरपोर्ट में रोजगार पाने का मौका भी मिलेगा। अभी तक जैसे कार्य तो बहुत तेजी से चालू है और अराउंड 70-75% काम हो चुका है। दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम जोर शोर से चालू है। जो हम लोगों को डेडलाइन दिया है अप्रैल 2021 तक दिया है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट को का भी इसमें कुछ काम करना है। वो लोग भी अपने ओर से कार्य कर रहे हैं, जैसे अप्रोच रोड बनाना, लाइटिंग की लाइटिंग एयरपोर्ट को लाइट की व्यवस्था उनको करके देनी है। तो वो प्रशासन अपनी तरफ से पूरे जोर शोर से कार्य कर रहे हैं और हम लोग भी साइड बाय साइड, हम लोग भी, हमारा कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। सिविल एविएशन जो झारखंड के जो सिविल एविएशन सेक्रेटरी है रवि कुमार जी, उनकी अभी 12 तारीख को मीटिंग है रांची में। तो वहाँ पे सभी एयरलाइंस स्टेक होल्डर्स को बुलाया है। तो वहाँ पे वो 12 तारीख को चर्चा होगी इस विषय में, कौन सी फ्लाइट कहाँ और किस रूट पे चलनी है, वो 12 तारीख को चर्चा होगी। सिविल एविएशन सेक्रेटरी एयरलाइंस के से विभिन्न एयरलाइंस के लोगों को बुला के बातचीत करेंगे और उसका डिज़ाइन ऑलरेडी बन के तैयार है और उस पर थोड़ा बहुत कार्य अभी चल रहा है। बाबा मंदिर का जो शिखर है जी, जो शिखर बनना है, मतलब जो गुंबद का जो आकार होता है और वो पंचशूल के हिसाब से उसकी डिज़ाइन बनाई गई। देवघर एयरपोर्ट, जैसा कि आप प्रश्न कर रहे थे, एयरपोर्ट चालू होने से यहाँ के लोगों को, जो झारखंड गवर्नमेंट है, झारखंड है और आसपास देवघर के लोगों को काफ़ी इनको काम मिलेगा, क्योंकि टूरिज्म बनेगा, होटल टूरिज्म से, ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी देवघर एयरपोर्ट चालू होने से। तो जो आज जितने भी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है सबको काफ़ी रोजगार का उपलब्धि होगी। तो एयरपोर्ट चालू होने से काफ़ी लोगों को फायदा होने वाला यहाँ का और ओवरऑल डेवलपमेंट होनी है उससे। और कार्गो का भी, जैसा अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आए थे, उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि वो यहाँ से कार्गो एक्सपोर्ट के लिए भी करके आएंगे। तो एक कार्गो की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जो यहाँ से जो चाहते हैं कि यहाँ के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाए और कुछ जो भी लेके आना चाहते हैं तो इमीडिएटली वो कम समय के अंदर वो प्रोडक्ट पहुँच पाएगा। अब लोगों को थोड़ा आग्रह किया जाता है कि ये एयरपोर्ट पे गलत राह में मत जाएं कि वे कोई और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, ऐसा नहीं है। जो भी होगा थोड़ा प्रॉपर चैनल में एयरलाइंस वगैरह भी रिक्रूट करेगी तो पूरा एडवर्टाइज करके करेगी, ऐसे बहकावे में दूसरी एजेंसी के नहीं आए। तो थोड़ा वो ध्यान रखें थोड़ा, ताकि जो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी थोड़ा प्रॉपरली अपने मीडिया के थ्रू ही मिल जाएगी, उसके ऊपर न्यूज़पेपर या उसमें एडवर्टाइज करके वो इंटरव्यू वगैरह लेके एयरपोर्ट पर करेगी। नहीं, उसके लिए ऑलरेडी कलर CCFZ जोन ऑलरेडी इशू कर दिया है, टाउन प्लानर ने ऑलरेडी उसको पूरा उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। और वो जो जैसे हमारी कल भी मीटिंग हुई थी CEO के साथ, तो वो ऑलरेडी एक NOC सेल में अप्लाई करके वो अपना उसमें जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन है वो अपलोड करके उनको NOC मिल जाता है ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस सिस्टम में उनको मिल जाएगा।